हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्टडी ट्रेंच गाइस। वैसे तो ये समर सीजन चल रहा है, गर्मी चिलचिलाती हुई गर्मी और धूप है, बट इस घर में एक खास बात होती है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार होता है और वो चीज है आम। आम यानी मैंगो। यस गाइस, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इसी मैंगो के ऊपर रिलेटेड है। एक्चुअली हुआ क्या है कि गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने जीआई टैग दिया है रिसेंटली 16 वेराइटीज ऑफ मैंगोज, यानी कि 16 वेराइटीज ऑफ मैंगोज ऐसे हैं जिनको जीआई टैग मिला। और आपको पता है जीआई टैग मिलना एक नेशनल इंपॉर्टेंस के बेसिस पे रेट किया जाता है। तो आइए देखते हैं इसको पूरी डिटेल्स में। रिसेंटली गाइस क्या हुआ है, जो अपेडा, जिसका जिसका फुल फॉर्म है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका फुल फॉर्म आपको जरूर याद रखना होगा क्योंकि 2017 और 18 की अगर बात की जाए यूपीपीसीएस में इसका फुल फॉर्म जरूर पूछा गया था। ऑलराइट, तो इसको याद करिएगा और इसके बेसिक डिटेल्स भी आपको जानना जरूरी है। तो अपेडा, हम लोग अपेडा लेके चलते हैं। तो अपेडा ने क्या किया रिसेंटली, एक वर्चुअल बाइंग और सेलिंग मीट ऑर्गेनाइज की है वेयर इन बर्लिन जर्मनी। ये भी एक नया टॉपिक मिल गया आपको, एक नया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल गया है फॉर योर करंट अफेयर्स। तो ये आपसे वेन्यू पूछा जा सकता है कि अपेडा ने रिसेंटली जो ऑर्गेनाइज किया था वर्चुअल मीट वो किस कंट्री में ऑर्गेनाइज किया था। सो योर आंसर शुड बी जर्मनी। तो फाइनली क्या हुआ कि अपेडा ने ये जो मीट ऑर्गेनाइज की थी जर्मनी में, ये बहुत ही नेशनल इंपॉर्टेंस लेवल में इसको हाईलाइट किया गया है। ऐसा क्यों है, क्योंकि अपेडा का जो काम होता है, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं उसके इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए ये काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करता है। ऑलराइट, ये एक तरह से समझ लीजिए जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं, आलू या कुछ जो भी खेती होती है, चावल गेहूं, वो सब प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और क्योंकि ये अपेडा का मतलब ही होता है एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो यानी कि वो इंडिया से बाहर दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने को प्रमोट करता है। और आपको पता है अगर इंडिया से कोई चीज़ बाहर एक्सपोर्ट होगी तो इंडिया के जीडीपी में कितना बड़ा ग्रोथ होता है। ऑलराइट, तो ये कैसे हुआ है, ये तब हासिल हुआ है, तब मुमकिन हुआ है जब जीआई टैग मिला है अराउंड 16 वेराइटीज ऑफ मैंगोज, जिसमें से 3 जीआई सर्टिफिकेट वेराइटीज जो है वो एक्सपोर्ट किए गए हैं बहरीन में फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड बिहार। यानी कि इस मीट के ऑर्गेनाइज करते ही वेस्ट बंगाल और बिहार के जो इम्पोर्टेड जीआई टैग सर्टिफाइड जो हमारे मैंगोज होते हैं उनको एक्सपोर्ट किया गया है टू बहरीन। ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। ऑलराइट, और जो मैंगोज एक्सपोर्ट किए गए हैं उन मैंगोज की वैरायटी के नाम है खिरसापति एंड लक्ष्मण भोग, जो कि वेस्ट बंगाल की वैरायटीज हैं, और जरदालू ये बिहार का एक वैरायटी है। ये सारे आपके नेम्स ऑफ मैंगोज हैं, ठीक है, ये किसी और चीज़ को के साथ रिलेट मत करिएगा। खिरसापति और लक्ष्मण भोग ये आपके वेस्ट बंगाल से रिलेट करते हैं, और जरदालू जो है आपका ये मैंगो का टाइप आपको बिहार में पाया जाता है। तो बेसिकली ये 3 वैरायटीज को एक्सपोर्ट भी कर दिया गया है वे टू बहरीन। ऑलराइट, अब देखते हैं हम लोग कि जीआई टैग होता क्या है। एक्चुअली जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ओके, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, और ये एक तरह से गवर्नमेंट सर्टिफाइड प्रूव है जो कि बताता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये सिर्फ इसी स्टेट में या इसी डिस्ट्रिक्ट में उगाया जा सकता है, और ये इसके जैसा जो प्रोडक्ट है वो ऑल ओवर इंडिया कहीं और अगर प्रोड्यूस किया जाए तो इसकी क्वालिटीज में ऑफ कोर्स कोई ना कोई डिफरेंस मिलेगा, बट इसका जो बेसिक रूट है, इस प्रोडक्ट का जो ओरिजिन है वो यही स्टेट है, इसी स्टेट के अंदर आता है। तो उसी तरह से जैसे होता है ना, आप लोग कहीं घूमने जाते हो तो आप लोग बोलते हैं ना चलो हम लोग कुछ शॉपिंग करना होता है, तो गर्ल्स स्पेशल बोलती हैं कि चलो ट्रेडिशनल लुक चाहिए तो बनारसी साड़ी के लिए जाते हैं, है ना, या कांजीवरम सिल्क। तो ये सारे जो हमारे जो नाम पढ़ते हैं सिल्क को बनारस के साथ कैसे रिलेट किया गया, क्योंकि वहाँ की जो सिल्क है उसकी कुछ स्पेशली क्वालिटी है जो और कहीं नहीं मिलती है। तो ठीक उसी तरह से ये जीआई टैग्स भी वही है कि किसी एक प्रोडक्ट को उसके स्टेट के साथ रिलेट कर देता है और ऑल ओवर इंडिया उसको नेशनल इम्पोर्टेंस गेन करता है, उसको नेशनल इम्पोर्टेंस देता है। तो ये बहुत पहले से चला आ रहा है, और उसी तरह से जीआई टैग्स की अगर बात करें तो काफ़ी सारे पेंटिंग्स या काफ़ी सारे और प्रोडक्ट्स को भी दिया गया है। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ही हो, किसी भी तरह का हैंडलूम भी हो सकता है, आर्ट एंड क्राफ्ट भी हो सकता है, वेजिटेबल्स हो सकते हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं, एनीथिंग। ऑलराइट,
और फिलहाल देखा गया है तो कि नूरजहां मैंगोज जो मध्य प्रदेश का फेमस मैंगो है उसका कॉस्ट अराउंड 1000 पर पीस गया है। ये क्यों गया है? क्योंकि इसको जीआई टैग मिला होगा। जीआई टैग मिला है तो इसको बाहर की कंट्रीज जो है इम्पोर्ट करना चाहती है, और इंडिया अगर एक्सपोर्ट करेगा उन कंट्रीज को उसको तो उसका जीडीपी ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा हाई करेगा, उसको बहुत ज्यादा। और बात करें अगर मैंगोज की तो नूर जहां मैंगो एक सच एग्जाम्पल स्टैंड किया है जिसका प्राइस 1000 पर पीस तक गया। सो यू कुड इमेजिन द ह्यूज कॉस्ट ऑफ दिस मैंगो। और ये क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि इसको जीआई सर्टिफिकेशन मिला है, और जीआई सर्टिफिकेशन यानी कि ये जो नूर जहां मैंगो है ये स्पेशलिटी बन गया है कहाँ, मध्य प्रदेश की। और इसके अलावा ये मैंगो कहीं और भी अगर उगाया जाए तो उसको लोग कहेंगे फेक या फर्स्ट कॉपी सेकेंड कॉपी, लेकिन ये ओरिजिनल जो इसकी जेन्युइनिटी है या जो रूट है वो मध्य प्रदेश का ही है। ओके, तो ये आपके वो मैंगोज हैं जो आपके जो सॉरी एक्सपोर्ट किए गए हैं टू बहरेन। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल का प्रोडक्ट है और ये बिहार का प्रोडक्ट है जरदालू। नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग वो कौन कौन से 16 वेराइटीज हैं जिनको जीआई टैग मिला है। 3 वेराइटीज तो हम लोग देख लिए थे, ठीक है, ये खिरसापति, लक्ष्मण भोग और एक लास्ट था जरदालू। ये 3 वेराइटीज तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे। उसके साथ साथ जो अलग वैरायटीज हैं वो अल्फांसो, अल्फांसो तो हर कोई जानता है कि अल्फांसो कितना फेमस वैरायटी है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता बट बहुत ही पल्पी होता है। नेक्स्ट है सिंधूरा, टोटापुरी, हापुस, रत्नागिरी, चौसा, रसपुरी, पैरी, हिमसागर, नीलम, मलकोवा, मालडा, लंगड़ा, केसर, बादामी एक्सेट्रा। ये सारी जो वेराइटीज हैं ये आपको 16 वेराइटीज में, जिसमें एक आप कॉमन इंडियन नेम्स से अगर जाना जाए तो दशहरी, दशहरी भी आप लोग जानते होंगे, वो भी एक जीआई टैग के अंदर ही आता है। उसके अलावा आपको पता है कि आम को क्या कहा जाता है? फलों का राजा। ही इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड एज द किंग ऑफ द फ्रूट। और इसके काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स के साथ साथ इसके डिस्टिंक्ट टेस्ट की वजह से भी इसको ये क्वालिफिकेशन, इसको ये पोस्ट दी गई है ना। अब बात करेंगे हम लोग अपेडा के बारे में। अपेडा के बारे में भी कुछ जानना जरूरी है। ऑल राइट, तो पहले तो आपको पता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म है दैट, पहले की तरह बता चुके हैं, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सिर्फ एक्सपोर्ट से रिलेट करता है। किस चीज़ का एक्सपोर्ट? वंस अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स। ओके, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। और इसका एस्टैब्लिशन कब हुआ था? दिसंबर 1985 में, फॉर द एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सेलेक्टेड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। ये नहीं कि आप के खेत में जितनी भी आलू हो रही सब आप जाके अपेडा के थ्रू बेच दो, नहीं, ये अपेडा सिर्फ और सिर्फ खास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को ही इंक्लूड करता है और उन्हीं को जाके एक्सपोर्ट में डालता है। क्योंकि अगर वो सारे प्रोडक्ट्स को डाल देगा तो लोग आएंगे ही नहीं, कि कचरा भी आ रहा है और वैसे अच्छी चीज़ें भी आ रही, तो लोग आएंगे नहीं, उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे लूज होने लगेगा। इस वजह से सिर्फ सेलेक्टेड और हाइब्रिड क्वालिटीज़ के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको इंक्लूड करता है। उसके साथ साथ देखेंगे, रिसेंटली अपेडा ऑर्गेनाइज मेनी वर्चुअल बायर सेलर मीट फॉर द प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। ओके, और ये नाम आपको याद करना है, वर्चुअल मीट कहाँ हुआ है? बर्लिन इन जर्मनी। अपेडा विद बाय वर्किंग इन कोलेब्रेशन विथ इफको, इट हैज सप्लाइड मैंगोज, ओके, 66 मेट्रिक टन्स ऑफ मैंगोज टू साउथ कोरिया। यानी साउथ कोरियंस भी इस सीजन में, इसी साल 66 मेट्रिक टन्स ऑफ मैंगोज की डिमांड किए थे और उनको एक्सपोर्ट किया गया है। उसके साथ साथ अगर हम लोग इसको एंशंट लाइफ से अगर रिलेट करें मैंगो को, तो आप जानते ही होंगे कि जितने भी हिंदू कल्चर में रीति रिवाज होते हैं उसमें जो पवित्र जल होता है, गंगा जल होता है, वो इसी किसी आम के पत्ते से जल छिड़का जाता है ना। तो यही जो मैंगो ट्री है इसको कहा जाता है विश ग्रांटिंग ट्री, और इसको एंशंट हिंदू कल्चर में कहते हैं काल पवृक्ष। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रख लीजिएगा क्योंकि इसका एंशेंट से भी कनेक्शन है, विच इज कॉल्ड एज विश ग्रांटिंग ट्री और इट इज ऑल्सो कॉल्ड काल पवृक्ष। फिलहाल हम लोग आगे एक और स्लाइड में आपको दिखा दे एक छोटी सी क्लिप कि अभी तक 2021 में कितने सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको जीआई टैग मिल गया है। तो लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, देख सकते हैं आप, कैटेगरीज है लिस्ट ऑफ जीआई टैग्स फॉर द ईयर 2021। एग्रीकल्चरल भी है, फूड स्टफ भी है, हैंडक्राफ्ट भी है, ओके, कुछ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स भी हैं। जरूरी नहीं कि जो नेचुरल प्रोडक्ट्स है सिर्फ उन्हीं को इंक्लूड किया जाता है, मैन्युफैक्चर्ड भी हो सकते हैं, हैंड प्रोसेस भी हो सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, ओके, और उनके ये कुछ ऐसे
प्रोडक्ट्स हैं जिनको रिसेंटली 2021 में ही जीआई टैग मिला है। तो 2019 का और 20 का आप एक तरह से स्किप कर सकते हैं, लेकिन 2021 का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है ये। ओके, तो ये आप टेबल कभी मत भूलिएगा, इस टेबल को आप एक बार ज़रूर ध्यान से देख लीजिए। कंडमाल हल्दी ये उड़ीसा का है, रसगुल्ला जैसे जानते हैं कि रसगुल्ला के लिए वेस्ट बंगाल भी फाइट कर रहा था, बट जीआई टैग मिला है किसको, उड़ीसा को। कोडाईकनाल मलाई पुंडू ये किसको मिला है, तमिलनाडु, जहाँ टेढ़े मेढ़े नाम आप समझ लीजिए कि साउथ का ही है। पवंडम मिजोरम। ओके, ये सारे ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मिला है आपको जीआई टैग। ठीक है, इसी के साथ आज का स्लाइड यही खत्म होता है। टिल देन गाइस, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड बाय बाय।